कांग्रेस नेता और पूर्व राज्य मंत्री गोपाल केसावत के ईसीबी द्वारा ट्रैप होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए बीजेपी नेता ने भी कांग्रेस पार्टी पर जमकर तंज कस रहे हैं। इसी बीच बीजेपी नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का भी बयान सामने आया है। राजेंद्र राठौर ने गोपाल केसावत की राहुल गांधी के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, कहा जाता है एक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर होती है। अब इस तस्वीर के क्या कहने, यह वही कांग्रेस के घुमंतू बोर्ड के पूर्व चेयरमैन गोपाल केसावत हैं, जिन्हें तीन दलालों के साथ आरपीएससी की भर्ती परीक्षा में पास कराने के बदले 18,50,000 रुपए की घूस लेते हुए पकड़ा गया है। बीजेपी नेता प्रतिपक्ष ने कहा, कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के साथ इनकी नजदीकियां इस बात को स्वतः ही बयान कर रही है कि भ्रष्टाचार करने के लिए इनके हौसलों को संबल कहां से प्राप्त हुआ है। यह कोई पहली घटना नहीं है। कांग्रेस सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल में प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां बिना रुपये दिए किसी का काम होता हो। स्वयं सरकार के मंत्रियों ने भी इस बात को सार्वजनिक रूप से कबूल किया है। गोपाल केसावत की वायरल तस्वीर को शेयर करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने लिखा, तस्वीर में राहुल गांधी उस गोपाल केसावत से हाथ मिला रहे हैं जिसे आरएएस भर्ती परीक्षा पास कराने की एवज में 18,50,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। गोपाल राज्य विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु कल्याण बोर्ड का पूर्व चेयरमैन है, जिसे राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था। राजस्थान सरकार राहुल गांधी के ऐशो आराम के लिए जमकर भ्रष्टाचार कर रही है। हाईकमान को जब तक काला पैसा मिलता रहेगा, गहलोत जी की तूती प्रदेश कांग्रेस में बोलती रहेगी। बीजेपी नेताओं के इस तंज पर पलटवार करते हुए कांग्रेस पार्टी ने भी उन्हें जवाब दिया है। कांग्रेस पार्टी ने लिखा, ये एक तस्वीर गरीबों से लूटे 900 करोड़ रुपए के बराबर है। अगर हिम्मत है तो संजीवनी घोटाले के मुख्य आरोपी की तस्वीर ट्वीट कीजिए। राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने कांग्रेस नेता और पूर्व राज्य मंत्री गोपाल केसावत समेत 4 लोगों को 18,50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये सभी राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी द्वारा आयोजित अधिशासी अधिकारी भर्ती परीक्षा में पास करवाने के नाम पर लाखों रुपए की रिश्वत मांग रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।